पायलट बाबा आश्रम कायाकल्प पीठ। तो दोस्तों हम आपको लेकर आए हैं पायलट बाबा के आश्रम में, जो कि उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में पड़ता है। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं हूँ लोकेश और मैं अपने चैनल फाइनल विजन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम आपको अब आश्रम में शुरुआत से लेकर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं, माँ काली, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की। बहुत ही सुंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे चलने पर, नीचे उतरने से पहले, भगवान श्री गणेश और रिद्धि और सिद्धि की मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत। तो हम नीचे चलते हैं। और मूर्तियाँ बनी हुई हैं, भगवान श्री गणेश, नरसिंह भगवान और वराह अवतार, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और बहुत से भगवानों की मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत। दोस्तों जैसे हम बाहर से देखते हैं इस आश्रम को तो लगता है कि होगा मंदिर होगा कोई, लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमारे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती कि इतना खूबसूरत पहाड़ पर ये मतलब बेहतरीन आश्रम बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, इतना खूबसूरती से बना रखा है आश्रम, बहुत ही लाजवाब जिसे कहते हैं। इतना खूबसूरत हरा भरा बगीचा और उसमें भगवान शंकर की मूर्ति और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और आगे अभी पता नहीं कितना बड़ा है आश्रम, बहुत ही लेकिन लाजवाब आश्रम बना रखा है। हर कदम पर बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ऐसे बना रखी हैं मूर्तियाँ जैसे कि सचमुच में कोई बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारी कलाकृति जिसे कहते हैं। काफ़ी अच्छा आश्रम बना रखा है ये पहाड़ों पर, देखने दिखाने लायक है। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत द्वार बना रखे हैं और द्वार के ऊपर त्रिदेव की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। हर कदम पर ही बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। ऊपर से कम ये आश्रम 4 से 5 मंजिला नीचे होगा और हर मंजिल पे एक हॉल है बहुत बड़ा। ये आप देख सकते हैं 9 देवियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। देवी की हर मूर्ति में मूर्तिकार ने बहुत मेहनत की है, वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे असली की हों। काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हैं और बहुत ही अद्भुत बनाए रखे हैं जिसे कहते हैं। 9 की 9 देवियाँ और यहाँ थोड़ा सा साइड में भगवान श्री राम का दरबार बना रखा है, इसमें भगवान श्री राम माता सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान है और उनके चरणों में भगवान हनुमान और भरत। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, यहाँ पर हर कदम पर आश्चर्य। तो कभी भी आप गंगोत्री के लिए जाए तो आते टाइम या जाते टाइम रास्ते में इस आश्रम में जरूर होकर जाए, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है।
ये आप सामने देख सकते हैं कितना बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विराजमान है माँ लक्ष्मी के साथ और नारद मुनि उनके समक्ष खड़े हैं। और यहाँ पर बहुत ही विशाल भगवान शंकर की मूर्ति यार बहुत ही वाकई में खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ बना रखी हैं। ये देखिए और ये है बाबा नंदी और बिल्कुल मंदिर के पीछे चलते हैं यहाँ माँ भगीरथी बहती हुई प्रणाम कर लीजिए माँ भगीरथी को। दोस्तों अब हम वापस चलते हैं तो जहाँ जहाँ पर हमसे कुछ छूट गया हो उसे देख लेते हैं। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और वाकई में मूर्तियाँ ऐसी बनी हुई हैं ऐसा लगता है जैसा अभी सजीव हो उठेंगी। थोड़ा सा अंदर चलने पर हम यहाँ आ गए हैं यहाँ पर भगवान शंकर की बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बनी हुई है। तो दोस्तों हम वहीं पहुँच गए जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति और ये पायलट बाबा की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।